दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा क्लासिक यानी कि लूना क्लासिक कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंटली ये कॉइन 0.00058 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा क्विक पंप इसकी प्राइस में रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल रहा है और लगातार इसकी प्राइस में अच्छा मूवमेंट हो रहा है और नए ऑल टाइम हाई ये रेगुलर बना रहा है। तो जिस टाइप से प्रीवियसली लूना कॉइन ट्रेड कर रहा था, क्या इसकी प्राइस 1 USDT जा सकती है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कॉइन बहुत जल्दी 1 USDT को टच कर लेगा और नए एरिया पर ये ट्रेड करेगा। तो इस वीडियो हम बात करेंगे कि क्या लूना कॉइन 1 USDT पर जा सकता है, अगर जा सकता है तो कब तक चला जाएगा, और आप लोग अगर इस कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे और किस टाइप से आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है। क्योंकि प्रीवियसली जिस टाइप से हमने डंप देखा था, बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट इसमें लूज किया था, तो उसकी भी रिस्क वार्निंग हम आपको दे रहे हैं। और बिनांस की तरफ से भी रिस्क वार्निंग है कि ये कॉइन जो है, ये टोकन है, हाई वोलेटिलिटी कॉइन है और इसमें फाइनेंशियल लॉस यानी ट्रेडिंग लॉस आपको हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो हम बात करेंगे क्या लूना कॉइन 1 USDT जा सकता है और आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग तो हो रही है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, लोग पैसे लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने अमाउंट के रिकवरी का वेट कर रहे हैं। तो करेंटली कॉइन 0.00058 पर ट्रेड कर रहा है, 15 मिनट का चार्ट ओपन है। डेली के अंदर अगर बात करें तो लगातार अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है। डेली क्लोजिंग में लगातार ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 10 से 12 दिनों में इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 500% से ज़्यादा का क्विक पंप लिया है और अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो 1000% से भी ज़्यादा की रिकवरी इस कॉइन ने की है। तो जिन लोगों ने इन एरियाज़ पर इस कॉइन में रिस्क ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिस्की कॉइन है, तो रिस्क ली थी, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये कॉइन 1 USDT जा सकता है। तो अभी ये कॉइन 24th रैंक पर है, कॉइन मार्केट कैप जो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी है उनमें रैंक इसकी 24th रैंक है। अगर आप इस कॉइन में ट्रेड करते हैं या अगर आपका पैसा इसमें लगा हुआ प्रीवियसली, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपनी ये कन्फ्यूज़न को दूर कर लें कि क्या 1 USDT ये कॉइन चला जाएगा। तो इसकी ओवरऑल जो सप्लाई है कॉइन्स की, जो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई, जितने कॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं, जितने कॉइन की ट्रेडिंग हो रही है, वो है 6151 बिलियन कॉइन, यानी 6151 बिलियन कॉइन। और टोटल मार्केट कैप जो करेंट है, जो मैंने कॉइन मार्केट कैप पर देखी है, वो है 3.5 बिलियन USDT। अब अगर लूना कॉइन 1 USDT जाता है तो उसको करेंट प्राइस से 1750 यानी कि 1750 गुना होना पड़ेगा जब वो 1 USDT जाएगा। आप 1 USDT में ये जो करेंट प्राइस है, इसका आप अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट अभी ऊपर नीचे प्राइस हो रही है, तो 1700 या 1800 के बीच रहेगा। तो 1700 गुना होना पड़ेगा तब प्राइस 1 USDT पर जाएगी। अब अगर ऐसा होता है तो मार्केट कैप भी बढ़ेगी, जब वॉल्यूम आएगा तभी तो प्राइस बढ़ेगी, तो वॉल्यूम आएगा तो मार्केट कैप बढ़ेगी, तो मार्केट कैप को भी उतना ही बढ़ना पड़ेगा जितना कि अभी करंट प्राइस से 1 USDT जाने के लिए इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो अगर इसकी मार्केट कैप को हम 1750 से गुना करते हैं, आप भी करके देखना, 3.5 बिलियन का गुना 1750 में करते हैं तो 6.12 ट्रिलियन USDT होता है ओवरऑल मार्केट कैप इसका। अगर टोटल ग्लोबल जो क्रिप्टो मार्केट है उसकी मार्केट कैप की बात की तो वो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के अराउंड है अभी, हालांकि 980 बिलियन है, लेकिन 1 ट्रिलियन के अराउंड हम मान सकते हैं। और जब एक अच्छा एरिया था जहां पर हम पिछले साल जब हम बुल मार्केट में थे, तब 2 ट्रिलियन से ऊपर मार्केट कैप चला गया था ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो। बिटकॉइन की अगर बात करें तो 370 बिलियन का मार्केट कैप है अभी करेंटली। तो क्या ये कॉइन बिटकॉइन को के मार्केट कैप को क्रॉस कर जाएगा? ऐसा हो सकता है? क्या ये कॉइन टोटल जो ग्लोबल क्रिप्टो कैप है उसको, उसके जो मार्केट कैप उसको क्रॉस कर जाएगा? यानी कि अगर लूना कॉइन जिस टाइप से बता रहे हैं कि 1 USDT चला जाएगा, तो लूना कॉइन अगर 1 USDT जाता है तो उसकी उस टाइम पे मार्केट कैप 6.12 ट्रिलियन होनी चाहिए, 6 ट्रिलियन तो होनी चाहिए, 5 ट्रिलियन मान लेते हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट नहीं करते हैं, तो 5 ट्रिलियन हम मान लेते हैं। तो क्या 5 ट्रिलियन मार्केट कैप हो सकती है? जब BTC 69,000 से ऊपर चला गया था, सारे कॉइन्स अच्छे एरिया पर थे, तब 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन के अराउंड मार्केट कैप गई थी। तो ऐसा होना बहुत ही
नामुमकिन है। आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा हो सकता है तो हम उस चीज़ को मान सकते हैं, लेकिन अभी करेंटली 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, मुझे लगता है कि 5 से 10 साल के अंदर भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है तो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये जो कन्फ्यूज़न है आपकी दूर हो जानी चाहिए कि लूना कॉइन 1 USDT अगर जाएगा तो मिनिमम 4 से 5 साल के अंदर जाएगा। बाकी जिन लोगों ने एंट्री ली है नीचे की तरफ उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। एज अ ट्रेडर जिन लोगों ने एंट्री ली थी वो सेल आउट कर सकते हैं अभी करेंटली, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट है तो प्राइस में थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो करेंट प्राइस पर आप 80% पार्ट सेल आउट करें, उसके बाद 6 से लेके 6.5 के अराउंड में बाकी 30% या 20% जो पार्ट आप बचाए वो सेल आउट करें। लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं। एंट्री अभी करेंटली नई एंट्री आपको नहीं लेनी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छे कॉइन्स के एंट्री लेवल्स के लिए, टारगेट्स के लिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आपको खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से। थैंक यू।